Welcome back to my channel and I am Suman and today's video is a healthy cake recipe kind of a video. मैंने last video में share किया था कि या तो cake recipe और detox water recipe. Cake recipes की बहुत ज़्यादा demands आई हैं, so today's video is all about a healthy cake recipe and it's very healthy and with the very less sugar and बहुत ज़्यादा healthy items मैंने use किए हैं because winters हैं, we all crave for a मीठा and बाहर का market का brownie या फिर you know during the periods or during the cycles यू नो चॉकलेट क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है एंड या फिर यू नो केक का क्रेविंग बहुत ज़्यादा होता है. सो थिंग इज गाइज, दिस केक इज सीरियसली वेरी यम्मी एंड हेल्दी. मीठा थोड़ा कम रहेगा बट इट्स रियली वेरी यम्मी. सो थिंग इज, आप इसको कब ले सकते हैं? वेन एवर यू फील लाइक ड्यूरिंग द डाइटिंग कि नहीं वी शुड हैव समथिंग लाइक इवनिंग की ग्रीन टी के साथ या फिर कॉफ़ी के साथ, यू गाइज कैन टेक वन स्लाइस ऑफ दिस केक एवरी डे. इट्स रियली हेल्दी बट वन स्लाइस ऑफ दिस केक ना बहुत छोटा सा. सो रेसिपी क्या है, कैसे बनना है, लेट्स चेक आउट. सो द फर्स्ट थिंग वी नीड इज अ ओट्स, 1 कप ऑफ ओट्स. ये मेरे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं. सेकंड इज शेडेड कोकोनट और यू गाइस कैन यूज कोकोनट फ्लावर आल्सो. मैंने यहाँ पे 1/2 कप कोकोनट फ्लावर लिया है. नेक्स्ट इज वी नीड 1/2 कप ऑफ अ व्हीट फ्लावर. नेक्स्ट इज पिंच ऑफ बेकिंग सोडा. नेक्स्ट इज कुछ मेरे पास ये नट्स हैं जिनको मैंने छोटा छोटा चॉप किया है, विच इज रेजन्स एंड आलमंड्स एंड लिटिल वॉलनट्स. गिव देम अ गुड मिक्स. ऑलराइट, सो नेक्स्ट इज हेयर आई हैव सम जैगरी, गुड़ का पाउडर एंड इसको भी मैं ऐड कर रही हूँ एज पर द टेस्ट. Now again give it a good mix. Next is here I have a curd and ये homemade curd है guys. So इसके धीरे धीरे हम कुछ spoons add करेंगे along with the water, like 2 spoons of curd and 2 spoons of normal water. Curd है वो थोड़ी सी thick है and इतनी thick curd हम नहीं use कर सकते cake में. So I'm going to add 2 spoons of water. This much is enough. So give it a good mix. I'm going to add 2 more spoons of curd. And I'm adding little water in this. Give it a good mix. थिक बैटर एंड हमें थिक ही चाहिए था इस केक के लिए. मैं भूल गई डालना. सो लास्ट इज गाइज, आई एम गोइंग टू ऐड दिस वनीला एक्सट्रैक्ट फॉर अ गुड फ्लेवर. गिव इट अ गुड मिक्स. हम रेस्ट करने देंगे फॉर एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स. टिल द टाइम हम अपने अवन या फिर एयर फ्रायर को प्री हीट करेंगे सो दैट कि केक अच्छे से कुक हो पाए. सो लेट्स गो. सो नेक्स्ट इज हेयर आई हैव माय एयर फ्रायर का टिन एंड जिसको मैं लेयर करूंगी विद द बटर पेपर पे. मैं बहुत सारा घी अप्लाई करूंगी ताकि मेरा जो केक है वो बनने के बाद इसके ऊपर चिपके ना. Here we have our batter. So next is इसके अंदर ये जो हमने बना के रखा था केक का बैटर, इसको हम सारा का सारा इसमें डाल देंगे अच्छे से. इसको भी मैं स्प्रिंकल कर दूंगी ऊपर अच्छे से. डार्क चॉकलेट एंड मैंने ये वाला डार्क चॉकलेट यूज करा है गाइस. ये मतलब कि मुझे सबसे बेस्ट अभी तक यही लगा है, यही वाला डार्क चॉकलेट है जो मुझे पसंद है
and yeah, so all right, अब ये बिल्कुल रेडी है बेक होने के लिए. All right guys, so here I'm using my air fryer जो कि अभी preheat हो रहा है 180 degree Celsius पे for at least 5 minutes के लिए मैंने इसे preheated होने दिया है. अगर आप अपना oven use कर रहे हैं so guys आप 180 degree Celsius पे 25 minutes तक इस केक को बेक करेंगे, बट इसमें बहुत कम टाइम लगेगा. लाइक अभी इसके प्रीहीट होने के बाद मैं इसे 160 डिग्री सेल्सियस पे एटलीस्ट 20 मिनट्स के लिए बेक करूंगी. केक है मेरा, ये जा रहा है मेरे एयर फ्रायर के अंदर. ओके, बाय बाय. That's it about this recipe and I hope you know, aap log try karo and let me know kaisa laga, kaisa bana and yeah, that's it. So I'll see you very very soon in my next upcoming video, which is going to be a vlog or some detox kind of a video. So yeah, that's it. So see ya, bye.